गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर लास्ट क्लास ऑफ पैथोलॉजी इन विच टुडे वी विल स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ नियोप्लेसिया, दैट इज़ द मैथड्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। हालांकि मैंने इसे पहले वाली क्लास में भी डायग्नोसिस बताया था, पर वो जो डायग्नोसिस है वो डिटेक्ट करने का काम नहीं आ रहा। वो डायग्नोसिस है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि कैंसर इस समय कौन सी स्टेज के अंदर चल रहा है। पर आज अभी जो मैं ये डायग्नोसिस वाला टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक बताता है कि हम पहले कैंसर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्शन कैसे होता है। तो डायग्नोसिस लास्ट टॉपिक होता है, ऑब्वियस सी बात है, जबकि उसमें हमने कैंसर की ग्रेडिंग स्टेजिंग पढ़ी थी कि कैसे हम ग्रेड देते हैं, कैसे हम स्टेज देते हैं और कैसे उसके थ्रू हम पहचानते हैं कि हमें कब ट्रीटमेंट कैसे देना है, ट्रीटमेंट काम करेगा नहीं करेगा। तो वो सारा तो वो ग्रेडिंग स्टेजिंग था कैंसर का। अब जो हम आज लास्ट क्लास में पढ़ रहे हैं वो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं। तो देखिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कैंसर को डायग्नोस करने के, जैसे हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन, पैप स्मीयर, ट्यूमर मार्कर्स, इम्यूनोलॉजिकल डिटेक्शन वगैरह। वैसे तो छुटका सा ही टॉपिक है, कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है, इजी है, आप पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। या सबसे पहले हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं। तो पैराफिन एम्बेडेड फिक्स्ड सेक्शन हम पहले बनाते हैं। टिश्यू का आप सैंपल लीजिए बॉडी में, जिस टिश्यू पर आपको शक है कि शायद ये कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है या कैंसर वाला है ये, तो उस टिश्यू को आप लीजिए, पैराफिन एम्बेडेड फिक्स्ड उसका सेक्शन बनाइए, उसको HE के द्वारा स्टेन करिए। स्टेनिंग करने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करके ये देखिए कि जो टिश्यूज़ हैं वो कैंसरस हैं या नहीं है। इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन। दूसरा होता है साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन। ये साइटोलॉजिकल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, पेपेनिक्यूली एग्जामिनेशन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी सीक्रीशन में जो ऑलरेडी कैंसर की सेल शेड हो गई है, झड़ गई है, झड़ झड़ के गिर गई है, उस सीक्रीशन को आप लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं जिसमें सिर्फ सेल्स आ रही हैं। हिस्टोलॉजिकली तो हमने पूरा पूरा टिश्यू लिया था, इसके अंदर कैंसर सेल्स खुद झड़ करके गिर गई हैं हमारे किसी बॉडी सीक्रीशन में, चाहे वो ब्लड हो या कोई और बॉडी फ्लूड हो, उस सीक्रीशन में अगर कैंसर सेल्स गिर गई हैं तो उन कैंसर सेल्स को लेकर के ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोपिकली, तो उसको हम साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब ये साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन दो तरह का हो सकता है, एक्सफोलिएशन स्टडी और FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एक्सफोलिएशन जो झड़ गई कर गई वो अपन ने ली है, और एक होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन, ये साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ही होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारे को ट्यूमर नज़र आ रहा है, पैल्पेबल मास दिखाई दे रहा है, उस पैल्पेबल मास में हम एक पतली निडल लेकर के इंसर्ट करते हैं और वहाँ से ट्यूमर सेल को एस्पायरेट करवा लेते हैं, उस निडल के अंदर खींच लेते हैं, और फिर निडल बाहर निकाल करके हम उस निडल के अंदर जो मटेरियल है उसको स्लाइड के ऊपर ब्लो करवाते हैं, उसका स्मीयर बनाते हैं, स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। इसको हम FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ही है ये। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि आजकल तो नहीं आता है, पर एक टाइम था जब इसके ऊपर क्वेश्चन आया करता था आप लोगों के, FNAC, राइट, अ शॉर्ट नोट ऑन FNAC। और अभी नहीं तो आपके हो सकता है फोर्थ ईयर के अंदर काम आ जाए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को हम FNAC से डिटेक्ट करते हैं। तो फोर्थ ईयर में आप ऑप्स गाइनिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे OBG के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का मेथड है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसी तरह से साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन का ही दूसरा एग्जाम्पल आता है पैप स्मीयर। पहला तो FNAC है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दूसरा पैप स्मीयर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैप स्मीयर में हम कैसे करते हैं, जो ऊपर अपन ने पेपेनिक्यूली वाली बात लिखी ना, पैप स्मीयर का ही बता रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसकी सेल्स शेड होकर के मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह के साथ में आ रही होती हैं, तो सेल आप कलेक्ट करते हैं और फिर उसका स्मीयर बनाकर स्टेन करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं। तो इसमें हम
ये पैप स्मियर बना रहे हैं, इसलिए हम इसको पैप स्मियर कहते हैं या पैपेनिक्यूली एग्जामिनेशन कहा जाता है। ये तो ये दो एग्जामिनेशन होता है। पैपेनिक्यूली एग्जामिनेशन एक्सफोलिएशन साइटोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो साइटोलॉजिकल दो तरह के होते हैं, एक्सफोलिएटिव और FNAC। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सरफेस मार्कर्स होती हैं या सेल प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के होते हैं, उनको आप लेकर के डिटेक्ट करते हैं, जैसे साइटोकेरेटिन, विमेंटिन, डेस्मिन, कैल्सिटोनिन, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन्स या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के प्रोडक्ट्स, जैसे P53 के प्रोडक्ट्स या ऑन्कोजीन्स वगैरह को आप जो है डिटेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें, इन ये जो नाम हमने अभी लिए हैं बोले हैं, इनको डिटेक्ट करना ही मार्कर्स को डिटेक्ट करना कहलाते हैं। काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मेथड है मार्कर कैंसर के लिए। कैंसर मार्कर्स होते हैं, इनके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि कैंसर है या नहीं है। तो मार्कर टेस्ट कर देते हैं, अपने SPMC के अंदर भी ये टेस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, ट्यूमर मार्कर टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो काफ़ी कॉमनली यूज़ कर रहे जाने वाला मेथड है ये। इसके अलावा मॉलिकुलर डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं, जिसके तहत हम DNA एनालिसिस करते हैं। इसमें DNA प्रोब एनालिसिस और फ्लो साइटोमेट्री दो मेथड होते हैं। DNA प्रोब एनालिसिस के अंदर हम ऑन्कोजीन्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे NMIC, BCRC, ABL जीन प्रोडक्ट्स वगैरह को हम डिटेक्ट करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री में ट्यूमर सेल के DNA कंटेंट को मेज़र किया जाता है, जिसमें डिग्री ऑफ प्लॉयडी हमें पता चलती है। ट्यूमर सेल के DNA कंटेंट को मेज़र किया जाता है, जिसमें डिग्री ऑफ प्लॉयडी हमको पता चलती है, ये DNA एनालिसिस कहलाता है। अब ट्यूमर मार्कर जो मैंने आपको बोला कि भाई बहुत कॉमनली यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, तो ये एक वैल्यू है जिससे हम डायग्नोस काफ़ी आसानी से कर लेते हैं इससे। और ना केवल ये कैंसर को डायग्नोस, इवन जो हम कैंसर में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो थेरेपी दे रहे हैं, उस थेरेपी का उस कैंसर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उस रिस्पॉन्स को भी हम इस ट्यूमर मार्कर के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। टू इंडिकेट रिलैप्स ड्यूरिंग फॉलो अप के दौरान रिलैप्स का भी जो है हमारे को इंडिकेशन इन ट्यूमर मार्कर से मिलता है। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर्स की हम बात करें तो इसके अंदर हम हॉर्मोन्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे HCG, कैल्सिटोनिन, कैटेकोलामाइंस, एक्टोपिक हॉर्मोन्स वगैरह। HCG जैसे ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स हैं या नॉन सेमिनोमेटस टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं, उसमें HCG को डिटेक्ट किया जाता है। कैल्सिटोनिन थायरॉयड के मेड्यूलरी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। कैटेकोलामाइन और मेटाबोलाइट्स फियोक्रोमोसाइटोमा, ये कैंसर का रूप है, मैंने आपको फार्मा में पढ़ाया था। तो फियोक्रोमोसाइटोमा या उससे जुड़े हुए जो ट्यूमर्स हैं उनका पता लगाने के लिए हम कैटेकोलामाइन और दूसरे मेटाबोलाइट्स को ऑब्जर्व करते हैं। और एक्टोपिक हॉर्मोन्स, तो जैसे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, जो अभी मैंने आपको कैंसर के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया था, इसमें हम एक्टोपिक हॉर्मोन्स को डिटेक्ट करते हैं। तो ये हॉर्मोन्स है जो हम एज अ ट्यूमर मार्कर काम में लेते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हम ऑन्कोफीटल एंटीजन्स भी चेक कर सकते हैं, जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन, CEA वगैरह। अल्फा फीटोप्रोटीन लीवर कैंसर और नॉन सेमिनोमेटस टेस्टिकुलर ट्यूमर को डिटेक्ट करने के काम आता है। CEA जो है वो कोलन, पैनक्रियाज, लंग, स्टमक और ब्रेस्ट के कैंसर को डिटेक्ट करने के काम में आता है, आने वाला एंटीजन है ये। इसके अलावा आप आइसोएंजाइम्स प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA और लंग के स्मॉल सेल कार्सिनोमा और न्यूरोब्लास्टोमा के लिए NSE आइसोएंजाइम्स काम में लेते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, ये मल्टीपल माइलोमा में और दूसरे गैमोपैथीज के अंदर काम में लिया जाता है। म्यूसिन्स और दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन CA125 जो ओवेरियन कैंसर और CA199 जो कोलन और पैनक्रियाटिक कैंसर के डिटेक्शन के काम में लेते हैं हम। तो बस इसके साथ में आपका ये डायग्नोसिस ऑफ कैंसर ख़त्म, और इसके साथ में आपका एंटायर नियोप्लेसिया का चैप्टर जो है यहाँ पे क्लोज होता है, और आपकी जनरल पैथोलॉजी कंप्लीट होती है और आपकी एंटायर पैथोलॉजी भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक अगर आप दोबारा पूछना चाहते हैं, कोई टॉपिक ऐसा जो मैंने नहीं करवाया हो, जो मैं भूल गई हूँ, तो आप कृपया मुझसे पूछ लें।
अपने क्वेश्चंस मुझे भेजें, आप जो है अपने पुराने पेपर्स भी थोड़ा सा पढ़ लें, स्टडी कर लें उनकी। उसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो मैंने आपको नहीं करवाया, या कोई और टॉपिक है जो आपको लगता है कि पैथो का टॉपिक और ये इम्पॉर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ऐसे पैथो बच्चों बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी पैथो सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स की पैथो होती है MBBS के अंदर, आप लोगों के केवल 30 मार्क्स की है, जबकि सिलेबस आप लोगों का सेम है, पर उनके 100 मार्क्स की पैथो होती है और आपके सिर्फ 30 मार्क्स की है। तो 30 मार्क्स के अंदर हमने जितना कर लिया ना, वो भी बहुत ज़्यादा में ही है, उससे ज़्यादा कि मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आप अपने क्वेश्चन अपने CR को भेज दीजिए, मैं आपके लिए अलग से क्लास जो है वो अरेंज करवा दूंगी, और हम आपके कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेरीज हैं तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू।